अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं ताहिरा जी और मैं हूं जुबैर शारिक। आप तमाम लोगों को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ईद उल फितर की खुशियां बहुत मुबारक हों। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में। ईद के इस पुरमुसरत मौके पे हम यहां पर उन मासूम बच्चों के साथ ईद मनाने आए हैं जो अपने घर वालों से बिछड़ चुके हैं। नाज़रीन, यहां आपको बताते चले कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में एक ऐसा सेंटर मौजूद है जो अब तक 5000 से ज़ायद गुमशुदा अफराद को अपने प्यारों से मिलवा चुका है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का ये लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर गुमशुदा अफराद से मुतलिक आने वाली तमाम कॉल्स को चेक करता है। गुमशुदगी से मुतलिक आने वाली कॉल्स का लावारिस अफराद से मुतलिक आने वाली कॉल्स के साथ मुवाजना किया जाता है और दोनों कॉल्स के मिलने की सूरत में गुमशुदा बच्चों को, गुमशुदा अफराद को उनके वर्सा के हवाले किया जाता है। जिन मासूम बच्चों के लवाहिकीन के मुतलिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिया जाता है ताकि उन बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। तो आइए आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। आइए हमारे साथ। ईद का पुरमुसरत मौका है, बच्चे यहाँ मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इतने खूबसूरत ड्रेसेस सारी बच्चियों ने पहने हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं दायरा, ईद के इस पुरमुसरत मौके पे बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और ये कुछ डेकोरेट भी कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या डेकोरेट कर रहे हैं और इनकी ईद कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, मुझे बताइए क्या कर रही हैं आप ईद के इस मौके पे और ईद कैसे गुजर रही है आपकी? हम डेकोरेशन कर रहे हैं ईद के लिए और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती है और हम ईद में बहुत मज़ा करते हैं। मैं तमाम अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय करती हूँ। तो किस तरह से पूरा ईद का दिन आप सेलिब्रेट करते हो यहाँ पे? हम अपने फ्रेंड के साथ बाहर आते हैं, घूम निकले जाते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। गेम्स वगैरह खेलते हो, इंजॉय करते हो? चलो ठीक है, आप लोग करो इंजॉय, अब देखते हैं और बच्चे आ रहे हैं। अभी और बच्चों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है। चले चले चले। ज़ुबैर, ईद का पुरमुसरत मौका है, बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपको पता है यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों की म्यूज़िक क्लासेस भी होती हैं? नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। चलें, ये मैंने आपके इल्म में इजाफा किया। और ईद का मौका है और बच्चों की म्यूज़िक क्लासेस भी होती हैं और हमारे साथ एक सिंगर भी मौजूद है। अरे रियली? सिंगर से बात कुछ सुन लें, आज गाना सुन लें। बिल्कुल, अगर सिंगर मौजूद है तो गाना तो सुनना बनता है। सुनना बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है। अलीशा, आज हमें क्या सुना रही हैं आप? मैं सॉन्ग। सॉन्ग किसका सॉन्ग? आतिफ असलम का। अच्छा, चलें सुनाएं, एंजॉय करते हैं अभी सारे। मैंने जाना इश्क की गली, बस तेरी आहटें चली। मैंने चाह चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। वेरी नाइस, जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने इतना खूबसूरत गाना सुनाया तो आपको गिफ्ट तो बनता है, क्यों धायरा? हाँ, तो फिर इनको एक गिफ्ट दे दे। ये लें, ये आपका गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग। तो माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है। मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके। एक और भी बड़ी टैलेंटेड बच्ची हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है। बिल्कुल, माइक इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? मैं ठीक हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इरम। इरम इरम, आप मुझे बताएं कि ईद कैसे गुजर रही है आपकी और आप ईद पे क्या करती हैं? ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है और हम बहुत फन करते हैं। हम जो है, हमने स्टॉल पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमने दही भल्ले खाए और हमने गोलगप्पे खाए। अच्छा। आइसक्रीम खाए और मम्मा सारे के साथ जो हमने इवेंट रूम में जो केक भी काटा था और हमें ईदी भी मिली थी और हमने सॉन्ग भी सुने और डांस भी किया है। बहुत इंजॉय किया। बहुत इंजॉय किया तो बड़ी अच्छी बात है। तो ईद पे कोई चूड़ियाँ वगैरह भी खरीदने का शौक या पहनने का शौक है? जी जी, हमारी शॉपिंग होती है, हमने बाय किया। और शॉपिंग करने खुद जाते हो फिर? जी जी, हम फोटो जाते हैं। जी जी, मम्मा सारे में भेजती हैं, हम अपने स्लीपर्स भी खुद लेकर आते हैं, हम सारी शॉपिंग हमने खुद करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने खाली शॉपिंग अपने लिए की है या अपनी फ्रेंड के लिए भी कोई शॉपिंग की है? ना ना, अपनी फ्रेंड के लिए भी की है, मैं इसके लिए चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। अच्छा, चूड़ियाँ लेकर आई है, वेरी नाइस। तो फिर पहनाएं अपनी फ्रेंड को चूड़ियाँ। ओके।
जबरदस्त। देखो अच्छा फ्रेंड वही होता है जो अपने लिए भी चीज खरीदे तो उसके साथ साथ अपने फ्रेंड के लिए भी चीज खरीदे, तो ये आपने एक अच्छे फ्रेंड होने की जो है वो एक सबूत दिया है कि आप अच्छी फ्रेंड है, अपने फ्रेंड के लिए शॉपिंग करती है। वेरी नाइस। जी तारा, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी लड़कियाँ भी मौजूद हैं जो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी कर रही हैं। जबरदस्त। ये तो बहुत ही मेरा ख्याल से हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर। यहाँ बड़े मल्टी टैलेंटेड लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं। खुशी भी हो रही है, हैरत भी हो रही है और खुशी भी हो रही है माशाल्लाह। तो हमारे साथ जो लड़की मौजूद हैं जो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी कर रही हैं, हम आपको उनसे मिलवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जन्नत। जन्नत अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से? जन्नत की ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है, मजा आ रहा है। यस बिल्कुल, बहुत बहुत मजा। तो पहले बताएं जन्नत, आप कौन सी क्लास में हैं? यस मैं इस वक्त आईसीएस कर रही हूं, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूं। और साथ साथ आप बिजनेस भी कर रही हैं? यस बिजनेस कर रही हूं। इसके बारे में बताएं। यस बिजनेस हम सेंटेड कैंडल्स के करते हैं। किसका? सेंटेड कैंडल्स। अच्छा अच्छा। यस वी डिफरेंट सेंट्स के साथ हम बनाते हैं। और रिसेंटली हमारी ना हनिया भोंग के साथ इंटर्नशिप हुई थी, जिसकी वजह से फिर हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। और अब हम डिफरेंट एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं और इस तरह अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। तो इस सब की वजह जो थी वो सिर्फ मैम सारा, और स्पेशल थैंक्स टू मामा सारा, वो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज देती हैं कि हम अवेल कर सकें, हम अपने पांव पे खुद खड़े हो सकें और सोसाइटी को फेस कर सकें। तो ये तो आपने बताया अपने बिजनेस के बारे में। तो मामा सारा के साथ ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं, ये बताओ। ईद कैसे सेलिब्रेट? लाइक वो सुबह आई थी हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ केक कट किया इवेंट रूम में, और फिर उनका बेटा भी आया था, उसने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे। सुबह से हमारे साथ यही था, विजिटर्स आ रहे थे, हमसे मिल रहे थे, हम ईदी वगैरह भी कलेक्ट की, डिफरेंट स्टॉल्स थे। कितनी ईदी कलेक्ट हो गई? मैक्सिमम 2000 तो ही चुकी है। और गिफ्ट्स भी हमें मिले। और इस ईदी का क्या करना है फिर? अब ये तो लाइक ये है कि हम सारे फ्रेंड्स मिलकर कुछ पार्टी वगैरह करेंगे, बाहर से कुछ ऑर्डर करेंगे, फिर कुछ खाएंगे। अच्छा। और मे बी लाइक अभी ईद के बाद हमें सिनेमा भी जाना है, तो जबरदस्त वहाँ पे कर ले। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो क्या बड़े होके फिर बिजनेस वुमन बनना है? क्या बनना, क्या है क्या ख्वाब, क्या बड़े होकर क्या बनना है? ख्वाब तो बहुत से हैं, लाइक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जाना चाह रही हूँ। अच्छा, yes, अपने बिजनेस को भी मैं स्टार्ट रखना चाहती हूँ, साथ कंटिन्यू करना चाह रही हूँ इसको भी। लेकिन ये भी है कि मैं एक्टिंग में भी जाना चाहती हूँ, लाइक डिफरेंट है। यहाँ बहुत मजा आ रहा है ईद, ये वाली मेरे ख्याल ज्यादा अच्छी गुजर रही है और खास गुजर रही है बच्चों के साथ। और हम बहुत थैंकफुल हैं पाइन द स्काई के, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए। मेरे ख्याल बच्चों को गिफ्ट दे दें। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, आपका गिफ्ट, थैंक यू, और ये आपका गिफ्ट, थैंक यू जी, ये ईशा का गिफ्ट, थैंक यू, थैंक यू जी। कैसे गुजर रही है? क्या क्या खाया, क्या पिया, बताएं कुछ हमें। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। गोलगप्पे, उससे गोलगप्पे खाए थे? सवैया किसने खाई थी? अच्छा, और शीर, और शीर कोरमा किसने खाया? सबने खाया। अरे वाह, क्या बात है। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो? अच्छा, वेरी नाइस। नाज़रीन, ये बहुत प्यारे प्यारे मासूम बच्चियाँ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ईद पे बहुत इंजॉय कर रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और उनसे सुनते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंची बोलोगी? हाँ, मतलब आवाज़ निकलती है आपकी। क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा मुझे क्या सुनाएंगी आपको, पोएम आती है आपको? चलो ट्विंकल ट्विंकल सुनाएगी ज़ारा, ठीक है? जबरदस्त, वंडरफुल, तालियां बजाओ सारे। आपका क्या नाम है? सोबिया। सोबिया कौन सी क्लास में पढ़ती है? टू।
टू क्लास में ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ कि ईद पे मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। क्या खाया सुबह से? मैंने बर्गर खाया और गोलगप्पे भी खाए हैं, आइसक्रीम भी खाई। अरे वाह ज़बरदस्त। मेरे लिए कुछ बचाया या सब कुछ खुद ही खा लिया? बचाया। अच्छा मुझे बताओ आप इसे डॉल्स किस किस को पसंद हैं? आपको भी आपको डॉल्स ही पसंद? खाना अच्छा लगता है? खाना भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चलो आप लोगों को डॉल्स पसंद है, मैं आप लोगों के लिए डॉल्स भी लेके आई हूँ और कुछ गिफ्ट्स भी लेके आई हूँ, ठीक है? अभी आपको देती हूँ, ये लो ले लो, खेल लेना। और खाना खाते हो, बहुत कमज़ोर हो, खाया पिया करो। थैंक यू। ताहिरा आपको पता है कि हमारे साथ इस वक्त फ्यूचर की एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। अरे वाह, आइए इनसे हम बात करते हैं और ये पूछते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना मुझे ये बताएं कि ईद का मौका है तो ईद के मौके पर आपने ईद तो सेलिब्रेट की है अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ये हमें पता लगा कि आप मुस्तकबिल की पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं, इसके बारे में बताएं। मुझे ज़्यादातर तो ISI में जाने का शौक है। अच्छा। और जैसे सीक्रेट एजेंसी होती है और वो इन्वेस्टिगेट करती है। अच्छा। मुझे वैसे वो तो बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा फोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा शौक है। फोटोग्राफी का भी शौक है जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं ब्राइडल्स के एल्बम कलेक्शंस करूँ और मैं उनकी एक बहुत बड़ी एल्बम बनाऊँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। पैसे से मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बता दिया शौक, तो फिर ईद दोस्तों के साथ कैसे गुजरी? बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। कुछ खास चीज़ की, मेहंदी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह जो है पहनी हो, मेहंदी वगैरह लगाई हो, उस तरह की कोई चीज़ जो करती हैं लड़कियाँ अक्सर? हाँ जी, की ताजीदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए है, दूर रह कर कुर्बाशना है दिल मदीना बनाए हुए हैं, जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, उन गदाओं का क्या पूछते हो, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो जमाने पे छाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ये आपका गिफ्ट, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? अब्दुस्सत्तार नवाज। अब्दुस्सत्तार नवाज। आपका क्या नाम है? मजर। मजर ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपका क्या नाम है? फुरकान। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मुझे अब ये बताएं आप कि आप में से शेर किसको आता है? मेरे ख्याल से आपको आता है, आपको भी आता है। चलें आप शेर सुनाएं सबसे पहले। की मोहम्मद से फा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से फा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा अब आप शेर सुनाएं। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर? सबसे पहले मुझे आप बताएं। मेरी ईद इधर आई नहीं। इधर नहीं होती, कहाँ होती है? मेरे घर होती है। आपकी घर होती है ईद? अच्छा आप बताएं आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? अच्छी यहीं करते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो क्या ईद के दिन पे आप इंतज़ाम करते हैं, तमाम करते हैं, खाना पीना क्या खाते हैं ये ज़रा बताएं। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर हम नए कपड़े पहनते हैं, फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं। अच्छा खाने पीने में क्या खाते हैं, मीठा क्या खाते हैं? आइसक्रीम और बर्गर उसका और
दही भल्ले और। अच्छा, ये तो बड़ी कमाल चीज़ें हैं। वैसे शुरू शुरू में ही आप सुबह 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 ही खा लेते हैं गोलगप्पे के साथ। अच्छा, फिर और समोसे और शॉर्मा। क्या बात है। अब मुझे आप बताएं, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे अब आप बताएं कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है जो आप ईद पे खेलना पसंद करते हैं दोस्तों के साथ? स्नूकर, बावा, बिलियर्ड। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हैं या अकेले खेलते हैं? फ्रेंड्स के साथ साथ खेलते हैं। और ईद पे कहाँ जाते हैं? ईद पे घूमते फिरते हैं यहाँ पे। वेरी नाइस। क्योंकि हमारे से बड़े खूबसूरत बच्चे थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के, जो कि इन्होंने बताया कि किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं और क्या खाते पीते हैं, क्या गेम्स खेलते हैं। नाज़री, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपका ब्यूरो हमने विज़िट किया, बच्चों के साथ हमने वक्त गुजारा, आप भी ईद का दिन गुजार रही हैं बच्चों के साथ, ब्यूरो ने खासा अच्छा अहतमाम किया हुआ है ऐसा हमने देखा। मैडम, हमें आप ये बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में कुल कितने बच्चे हैं, बच्चों की तादाद कितनी है? जी, हमारे पास मतलब एक टाइम पे तकरीबन 1200 बच्चे रहते हैं, बट इसके अलावा एनुअली हम 7000 से ज़ायद बच्चों को, जो बेसहारा, अबैंडन, डेस्टिट्यूट, निगलेक्टेड बच्चे होते हैं, लावारिस, उसमें ऑर्फन्स, डिफरेंट कैटेगरीज वाले, 7000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट और एम्पावर करते हैं और एजुकेशन भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अदारा इस हवाले से क्या एफर्ट्स कर रहा है कि अगली ईद ये बच्चे अपने घर गुजार सकें? अच्छा, देखिए, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है बच्चों की। कुछ हैं ऑर्फन जिनके कोई भी नहीं है, मतलब माँ बाप भी नहीं है और रिश्तेदार भी नहीं है, तो वो तो वापस नहीं जा सकते, वो तो उनकी यही पनाह गए आखिरी। जी बिल्कुल, दे हैव टू बी हियर, वो हमारे साथ ही रहते हैं एंड तक। हम उनको बल्कि जॉब्स भी दिलवाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और फिर ही हम उनको एग्जिट करते हैं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। इसके अलावा ऐसे बच्चे हैं जो गुमशुदा हैं, ऑफकोर्स उनके लिए हम एफर्ट्स करते हैं, मतलब आते हैं और जाते हैं, उनको फैमिली से मिलवाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अब्यूज़ विक्टिम्स हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट करते हैं, फिर जब कोर्ट समझता है सही कि उनको उनकी फैमिली तक वापस कर दिया जाए फिर करते हैं, जैसे रिजवाना टॉर्चर केस में जो विक्टिम रिजवाना आप मिले होंगे उससे। राइट। उसके अलावा एक कैटेगरी है कि माँ बाप जेल में है बच्चों के, मतलब जिंदा हैं लेकिन कोई बाप ने कोई मर्डर कर दिया है वो जेल में, या माँ ने कर दिया, या एक सिंगल पेरेंट है, ऐसे भी बच्चों को हम यहीं पर रखते हैं। फिर वेन वी फील दे आर नॉट गोइंग टू बी सेफ और वो वापस जाके रोड पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे, उससे बेहतर है हम उनको यहाँ पे बेहतरीन तालीम और तरबियत वो दें। सही। अच्छा मैडम, हमारा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का डेफिनेटली जिस अदारे से हम ताल्लुक भी रखते हैं उसका एक डिपार्टमेंट है लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर। राइट। तो मैडम, वो बच्चों को मिलवाने के लिए कितना मौवन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, ये ज़रा काइंडली बताइए। जी बिल्कुल, हमारा बहुत अच्छा लाइजन है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से, हमने एक MOU भी किया था पिछले कुछ कई साल पहले और इट्स बेनिफिशियल बिकॉज क्योंकि सेफ सिटी के आप कैमराज हर जगह हैं, सर्वेलेंस है, मॉनिटरिंग है, तो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव साबित होता है और हमने बहुत सारे हज़ारों बच्चों को उनकी फैमिली से मिलवाया है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के थ्रू। और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा अच्छा एक इफेक्टिव मैकेनिज्म और ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि और बच्चों को मजीद जितने बच्चे की फैमिली नहीं ट्रेस हो सके उनको भी करवा सकें। मैम, ज़्यादा वक्त नहीं हम आपका लेंगे, आखिर में मुझे बताइएगा, जैसे आपने जिक्र भी किया पहले कि आप बच्चों की तालीम और तबीयत के हवाले से आपका फोकस है कि उनकी अच्छी उनको प्रोटेक्शन दे सके, तालीम दे सके, तो अदारा क्या ख़ास इंतजाम कर रहा है इन बच्चों की बेहतर फ्यूचर के लिए, इनकी तालीम और तरबियत के लिए, उस हवाले से? देखिए, जब मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ज्वाइन किया था आज से 5 साल पहले तो बच्चों को हुनर नहीं सिखाया जा रहा था, सिर्फ बेसिक एजुकेशन दी जा रही थी। सही। मैंने जो है ना एक इनिशिएटिव लिया अपनी टीम के साथ मिलकर, वो था इनको एम्पावर करना, एम्पावरिंग देम बाय टीचिंग देम स्किल्स। तो हमने स्टिचिंग कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, कंप्यूटर क्लासेज, हम और ये सब हमने गवर्नमेंट फंड्स के बगैर किया है, बेकिंग कोर्सेज, ब्यूटिशन कोर्सेज। अब हमारे कुछ बच्चे बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में फ्रेंड जो आप कह लें बाहर की चेन्स है, फूड चेन्स, उधर जॉब्स कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स में, सैलॉन्स में जॉब्स मिल गई हैं। बता रही थी कि इंटर्नशिप्स पे कर रही हैं। बिल्कुल, इंटर्नशिप की उन्होंने फिर ट्रेनिंग होती है एंड देन दे हैव गॉटन जॉब्स। कुछ बच्चों हॉस्पिटल्स में नर्सेज बन गई हैं, कुछ लड़कियों ने अपनी बेक शॉप खोली, अपनी ब्यूरो की भी हैव हर ओन बेक शॉप जिसमें दे आर सेलिंग ऑनलाइन। तो मतलब मेरा ये मकसद है कि उनको, मुझे लगता है कि एजुकेशन इटसेल्फ इज नॉट इनफ फॉर देम टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड गेट अ जॉब लेटर ऑन, आजकल हालात देख रहे हैं। तो एक हुनर, एक जो है ना स्पेशल स्किल होना बहुत जरूरी है। तो मेरा पूरा फोकस ये रहा है कि इनको स्किल सिखाएं, अभी और भी सिखाएंगे, देयर आर थिंग्स अंडर यू नो इन द पाइपलाइन, तो आई होप हो जाए। और हमने और सेंटर्स भी, मैंने अपने दौर में 4 नए सेंटर्स खोले हैं और अभी 26 नए सेंटर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरे पंजाब में।
मेरा प्लान है कि इसका दायरा करना पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद चाइल्ड प्रोटेक्शन। मैडम आपका ये जो अज़म है इसके लिए हम गुड विशेस देते हैं और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक दफ़ा फिर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से, हमारी जानब से, हमारी टीम की जानब से आपको और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, आपको भी और सब देखने वालों को ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच मैम। बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जहां अपनों से बिछड़ने वाले इन मासूमों की ज़िंदगी में खुशियां और उमंगें वापस लाई जा रही हैं, क्योंकि यही सब बच्चे हमारे कल का मुस्तकबिल हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई लावारिस बच्चा देखें या खुदा ना खास्ता आपके घर का कोई फ़र्द खो जाए तो 15 पे फौरी इतला करें। और इसके साथ साथ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के व्हाट्सएप नंबर जो है 03167741767 पे रब्ता करके एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अहले वतन को ईद मुबारक।